बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों की खिदमत है, सलीम सरमद का सलाम। जिवें तुसीं जानदे हो कि सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का, यूट्यूब का, तो कोई भी नवी गल होवे, कोई भी नवी खबर होवे, चंद सेकेंडे के लहजे के पूरी दुनिया के फैल पैंदी है, जंगल की भा की गल। तो इवें ही कल यूट्यूब के उत्ते मैं इवें कुछ चैनल जो सामने आए, कुछ उन्होंने वीडियोज़ वगैरह इवें डिठन, तो कहो का एक बेचैनी है, एक बुखारी जी जो तबीयत होती है उवें थी खड़ी है। वजह यह है जो सारे इलाके का एक यूट्यूबर है, नौजवान जैसे नाल मेरी मुलाकात तो कहीं नहीं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू यानी मैं उनके बारे जाने, तो यूट्यूब के थ्रू यानी मैं कोई खबर मिली है कि वो नौजवान यूनिस गुरचाणी की खुदकशी कर दी है। तो वल मैं मजीद वीडियो दिखे कि वो खुदकशी क्यों की है, उनकी खुदकुशी की वजह क्या है, और नौजवानी दे विच वो बंदे यानी जिंदगी कने किनारा क्यों किते, मुँह क्यों मोड़े, उनकी क्या वजह है, क्या वजूहत है। जिमें स्क्रोल करें हैं, वीडियो सर्च करें हैं, देखते हैं मालूम थे कि जिमें कि एक नवा यूट्यूबर होंगे या अपना कोई बंदा सोशल साइट पर आते तो वाल वो जो ना लोगों जुड़ते ताल्लुक बने दे अपनी फील्ड के लोगों यूट्यूब यूट्यूबर न, तो इवें ही उनकी मुलाकात थी कहीं तवस्सुत नाल सारे इलाके से एक भी बड़ी मशहूर यूट्यूबर है आर जे महवेश के नाल। तो चूंकि आर जे महवेश एक मशहूर यूट्यूबर है, लोग उनके नाल मिलते भी हैं, वेंदे हैं, सेल्फियां बनाते हैं, वीडियो जोड़े ना बने ना अपनी प्रमोशन के किए, तो उनका इंटरव्यू भी करें, तो ही हवाले नाल मेरे ख्याल कन्फर्म है कि यूनिस भी गया आर जे महवेश को मिला इंटरव्यू ये सिलसिला सारा जिमें, बहर ताल्लुक एक प्रोफेसनल तो हट के एक जाती अच्छे ताल्लुक के तब्दील थे, आवन वन मिलन जुड़न जुड़न जिमें होंगे। आज महवेश की एक जवान बेटी है माशाला मुस्कान जहरा, जिमें आवन वन मिलन जुड़न थे, अपनाया थे ताल्लुक यानी एक अच्छा ताल्लुक पैदा थी गया उन्होंने दरम्यान आर जे महवेश यूनिस गुरचाणी के दरम्यान। यूनिस गुरचाणी आर जे महवेश की बेटी मुस्कान जहरा नाल शादी की निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, तो वल कुछ सोच विचार के बाद आर जे महवेश ने जरा रजामंदी जाहिर की यानी आर जे महवेश, तो वल जिमें एक रिश्ता तय करें गाल मुहाल होंगी है डे घेन की, जिमें एक वालदैन अपनी बेटी कहीं को देन तो उनके मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के किते, तो जिमें कुछ शरायत होंगे उन तरह दे कि जमीन है, प्लाट है, मकान है, जेवर है या कुछ भी है, कोई भी मामलात होंगे उन्होंने दरम्यान थे, तो ये मंगनी भी सोशल मीडिया के उत्ते मैं दिखा मुख्तलिफ वीडियोज़ के उन्होंने मंगनी थी बकायदा खुशियां मनाया गया, झूमर ताड़ी थी, खुद यूनिस भी झूमर मरना खड़े, उनकी मंगेतर दुल्हन ने जड़ी थी मना ली वो भी झूमर मरनी पई है, मिठाइया तकसीम थी पैन, फुलें हार पाती खड़ा, यानी एक खुशी का माहौल आ जिमें एक सारे बसेर रिवायत होंगी है, मंगनी थी है, रिश्ता तय थी मंगनी थी है, उनके बाद खुशियां मनाया वन मिठाइया तकसीम थी गिफ्ट तोहफे वगैरह गेन के दिते वन, तो इवें ही यह सिलसिला चलिया। वल मेरी दुहाई नाल मुलाकात करनी मेरा मेरी ना ही आर जे महवेश नाल मुलाकात है, ना ही मेरी यूनिस गुरचाणी नाल मुलाकात है। यूट्यूबर होने के नाते मैं जोड़ा कोई यूट्यूब पर दिखे वो मैं तुम शेयर करना पाया, तुम शेयर क्यों क्या करना मैं वो भी दसेंगा। तो वाल यानी ये सिलसिला ये मुकम्मल अपना एक जी फॉर्मैलिटी है मंगनी दी ये पूरी थी गई, आते मामलात जड़े हैं वो भी तय थी गए कि तुम प्लाट दसो या मकान दसो उनके वास्ता कि सारी बेटी है ना जी उनका फ्यूचर उनका मुस्तकबिल वो महफूज रह मिले, क्योंकि आर जे महवेश खुद बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी, उनका जड़ा एक उनकी इज़्वाजी जिंदगी है वो भी बड़ी यानी मुश्किल गुजरी उन्हें किते, नतीजतन उन्होंने डिवोर्स की थी, तलाक की थी, शोहर तो अपने बच्चे को आप पालिया यूट्यूब के थ्रू यानी उन्हें मेहनत की थी, स्ट्रगलिंग की थी, आते इन टाइम तक भी यानी अगर वो अपने बच्चे की परवरिश बैठी करे दी है तो मेरे ख्याल में यूट्यूब वगैरह तू उनकी अर्निंग है, तो यूट्यूब की मेहनत है यानी ही खौफ तू तू यानी कुछ लिखवाया कुछ मनवाया कि मेरी बेटी गुजरात दे से मकान में से या क्या शरे से, वैसे भी रिवायत है हर इलाके की कि वो इफ़ाना है जड़ा वो कुछ ना कुछ लिखा मकान है या प्लाट है। खैर आर जे महवेश चूंकि अपने पहले शौहर कने तलाक गिन चुकी है, अपने बच्चे की कफालत भी आप करनी है, वल जड़े ना
चूंकि एक औरत का अपने घर को संभालन और मुआशरे को जवाब देवन तन तन आ यानी बच्चे की परवरिश करा एक घर च रहा मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोच के जोड़े लोग होंगे उंगली खड़ी कर किरदार कशी कर हकाए क्या है खुदा जानते बहरहाल वो औरत है जी अपने बच्चे को पालिया तो मैं एक उनकी वीडियो भी दिखी जेद यानी अपना जरा मुतलका शौहर है जेद तलाक की थी तो उनका एक क्लिप ही छोटा जहां शेयर किया तो दसाया कि ये जड़ा ना मेरे से तशद्दुद करेंदा है मैं देखने तलाक की थी घरेलू हालात नाचाकी वगैरह कि नशे तो आके मकान बेच छोड़िया जेवरात मेरे बेच छोड़िए मैं मरेंदा खुटेंदा है अते मैं कुछ हर साथ मैनेज करने की कोशिश की थी बल्कि मैनेज की थे कि जिंदगी औखे सौखे गुजर वे बच्चे थी गए लेकिन वो शख्स क्योंकि नशे की लत मुबला थी गया तो सोच समझ की सलाहियत जी है बादू खत्म हो चुकी है तो उन वीडियो के अपने शोर ही दिखाया अपने यूट्यूबर जड़े हैं उनके फॉलोअर्स कि तुसा देखो मेरा फैसला गलत था या नशेड़ी बंदा यानी नशे ही बंदा है तो खैर वो कहीं वेले बाहर गली देते बाहर मिलते भी हैं ताज मैं भी डिसाइड कि मैं उनकी कुछ इमदाद भी कर छोड़ी हाँ कि जिमें खाना पीवाने अंधे पीले हाँ मेरे बाले का चलो तो थे मेरा शोर ना सही मेरा पाए ना सही मेरे बाले का प्यू थे मेरे बच्चे यानी कहीं अबा अबू तो आख सकता है प्यू तो आख सकता है तो मैं यानी उनका एहतराम करें वो यानी ईद ते खुशी बरात हो कपड़े गेंदे दियाँ जिमें हो वल ही खौफ ही तोहफत क्योंकि मेरी बच्ची के नाल मेरी बच्ची के नाल ई ना थी वे जिमें मेरे नाल थे क्योंकि रिश्ता बंदा कर पाते लेकिन उसके बाद वल जो हकाए कुछ भी तरह के सामने आना खैर जिमें भी ये मैं ये यूनिस गुरचाणी की किरदार कुछ नहीं पा करेंगे कि तो वह भी बिल्कुल सेम उ प्रोफाइल उसी जिम्मे अज मेरे शोर भी नहीं वल मैं तू दसा पा कि मुआशरा है कल ही औरत देते हैं जी अपने बच्चे की परवरिश भी करेंगी हो तन तनहा हो तलाक याफ्ता हो कल घर रही पी हो लाइफ स्टाइल चेंज थी गया हो तो लोग उंगली खड़िया कर औरत कि गुजारो सर भी करें तो इन गल ही तू तंग आ कि यार जे मैं वेचना निकाह कर फैसला किया एक बंद निकाह किया असा नहीं उठा कौन है कौन नहीं तो यूट्यूब के थ्रू पता लगा कि निकाह भी थी गया तो वो जड़ा है ना उनका खाला जाद है मासी का पुत्र है मेरे ख्याल के वल उन्होंने आख्या कि तू ई कर अज मैरिज दे दूजे शोर जन हूँ निकाह किया कि तू मेरे घर शिफ्ट थी अम्मा कलिए देखभाल कर खिदमत कर तो उदा ही शिफ्ट तो वल अज मैरिज जरा यूनिस गुरचाणी को आख्या कि तू हूँ ही कर क्योंकि मैं हूँ निकाह कर गई तो मैं हूँ अपने शोर के घर शिफ्ट थी पिया तो मेरे कितने बच्चे को संभाल मसला है और खसूसन जवान बेटी मुस्कान जहरा को मैं कहीं भी आसरे से नहीं छोड़ सकती तो तू अपना निकाह शादी कर वल अपने प्यू मां गाल की खुदा जानते कुछ शरायत तरह सख्त सन या एक बलोच की एक अनाड़ आ गई है कि असा बलोच लोग हैं असा इन्हें लोगों कि मैं शादी करूँ ये जोड़े लोग हैं ना ये अपना एक मॉडर्न टाइप लोग हैं इनका तर्ज जिंदगी जरा है ना एक आजादाना है हाँ यूट्यूब सोशल मीडिया के उ यानी इतना वायरल थी वन लोगों अटैचमेंट या तो ये चीज़ गवारा नहीं आई पसंद नहीं आई या बस कुछ शरायत इतना सख्त है बहरहाल खुदा जानते कि अना या तहफ़ ये दुहाएं पास हो कोई ना कोई खौफ हा कोई ना कोई फिक्र है लेकिन उनकी भेंट यूनिस चढ़ी है वो एक ख्वाहिश इतना शदीद उनके दिल दे यानी पैदा थी गई मंगनी थी गई तो वल यानी रिश्ता थिया मंगनी थी वो पछूते हटन को बिल्कुल तैयार करना क्योंकि सारे समाज थी रिश्ते थीं भी हैं टुटते भी हैं तो कसूर कहीं वे लड़के वाले की तरफ होंगी तो कहीं वे लड़के वाले की तरफ होंगी लेकिन इतना कहीं भी कसूर है मैं नहीं जानता मैं जिन्हें गाली सुनी वो दसना पा तो बहरहाल यूनिस पछूते हटन को तैयार करना हा तो नतीजा ये थिया कि यह रिश्ता टुट गया अल्लाह जानते शरायत सख्त हैं यूनिस गुरचाणी का प्यू उनका शायद पूरी नहीं कर सकिया या आदन के उठन पाने का बंदा है फैसले में कचहरे में एक गाल नागवार गुजरती है कि एक आज़ाद ख्याल जोड़ी लड़की है मेरी बहू बने तो एक आज़ादाना सोशल मीडिया से बैठी रहे या एक गाल है बहर जिमें हा यानी ये रिश्ता टुट गया बकायदा फेस यूट्यूब के उत्ते यानी अज मैं खुद भी दसाया तो बिन्ने यूट्यूब के वीडियो के थ्रू ही पता लगा कि रिश्ता खत्म थी गया तो यूनिस का प्यू आके खुद अर्ज मैं बेटे घर दस गया कि असा जोड़े ना तुरी शरायत नहीं से पूरी कर सकते या तुरे म्यार से नहीं से पूरे कर सकते तो असा जोड़े ना ये रिश्ता खत्म करना पे सारी तुरे तो कोई नाराजगी कह नहीं सारे तरफ यानी जवाब तो वल यूनिस भी जाहिर दिल बर्दाश्ता थे
यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू पता लगा कि यूनुस लुधियानी खुदकुशी कर ली है। कि दुख दे विच, गम दे विच कि मेरी शादी मुस्कान ज़ाहिरा नाल अगर नहीं थी सकती तो मैं जरा ना जीवन नहीं चाहता। तो बड़ी बड़ी दुख की खबर है। एक नौजवान अपने प्यूमा को अपने रिश्तेदार को एक दुख दे गए। तो वाल वार जो महकश है जी उनकी फैमिली के उत्ते भी उद्ते भी लोग सवाल पर उठन उंगली पर उठन के इन्हें लालच के आके शरायत सख्त रखा उस इन्हें ट्रैप किए इन्हें फसाए नौजवान को इन्हें वरगलाए। पर अल्लाह जानते मैं कहीं तो इल्ज़ाम तराशी नहीं करना कहीं की किरदार कशी नहीं करना मैं ना जे महफे की ना यूनुस गुरचाणी की। पर अल्लाह तला बेहतर इंसाफ करने वाला है। लेकिन यह कि एक जिंदगी जी है ना वो खत्म थी गई दुनिया तो। आर जे महफे जी जी अल्लाह तला करम करे तो उनकी बेटी मुस्कान ज़हरा का घर भी बस रहे कि ना कि। लेकिन यह कि यूनुस गुरचाणी चलिया गए तो नौजवान है तो वो जड़ा ना एक अपनी ख्वाहिश इतनी शदीद ख्वाहिश यानी ऐसी ख्वाहिश अपने दिल के पाल गई थी कि उन्होंने पिछू तो हटने को तैयार करना हाँ। तो बाकी घर वाले की अना या एदो मुस्कान ज़हरा की माँ की जड़े हैं लड़की वाले के सब शराय जो भी हैं जो भी वजह बनी है नौजवान खुदकुशी कर गई है। अच्छा मैं तुम्हारे नाल ये वीडियो ये गाल गुहार क्यों प्या करना वही वजह कने प्या करना क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अवेयर करा दोस्तों को लोगों को मेरे ख्याल अगर मैं कहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा मेरा फर्ज बन रहे तो इन्हें कोई नवी गाल या कोई नवी खबर सारे तने होंगी है वो लोग तक पहुँचा सारा ख्याल। मेरी गुजारिश यह है कि तुसा भी जो बहुत सारे नौजवान मेरा वीडियो देते पे सन बहुत सारे बाले के प्यू देते पे सन बाले का मेरी देते पे सन खानदान का सरपरस्त वीडियो देता पाया उसी। मेरी गुजारिश यह है कि खासकर नौजवान कहने के अपने दिल के ख्वाहिश पालो आपकी हैसीयत अपने खानदान की हैसीयत देख के पालो। अगर कहीं गल दोस्तियाँ करो रिश्तेदारियाँ करो आमन मंजन रखो मुहब्बत रखो अपनी हैसीयत और परले की हैसीयत देख के रखो। ये ना हो कि कल तुम्हारे कने कोई बंदा तुम्हारी हैसीयत कने ज़्यादा तवक्को कर पाए डिमांड कर पाए तुसा पूरी ना कर सको क्योंकि जाहिरी हैसीयत कुछ होंगी है बंदे की और बैकग्राउंड कुछ होंगे। और सेम जी सिचुएशन आई वो आई ही केस के ही मामले के यूनुस गुरचाणी तैयार दिन क्योंकि आज जब मैं कोई भेद बकरी ना आई अपनी बेटी कहीं को पकड़ लिया कि हाँ तू मैं निकाह कर जहरे वो अपनी जिंदगी भी बड़ी औखी गुजारी है तो ही खौफ को मद्देनजर रखते हुए कि मेरी बेटी सिक्योर रहे मुझे कल कम अज़ कम जिन्हें जा प्लाट बंदा लिखे दे। अतः यूनुस गुरचाणी क्यों मैं गाल की थी शायद वो मुतालबात पूरे ना कर सकते हैं या एक बलोचकी दी है चना दे कि सारा एक जड़ा ना एक बलोचकी का एक भरा मेल इलाके ना खत्म थी वे ही सोच के उत्ते जानी रिश्ता ना करना चाहता पर उन्हें रिश्ता तोड़िया खत्म किया यूनुस दिल बर्दाश्ता थे तो ऊँ अपनी जिंदगी का खात्मा कर गए। अल्लाह ताला यूनुस गुरचाणी को करी के रहमत करे। तो जरूर तकलीफ दोहे पास है यूनुस गुरचाणी के पास भी है तो आज महफिज के खानदान से भी एक औखा वक्त है क्योंकि उद्धर भी लोग मजीद उंगलियां पे खड़िया कर मजीद सवाल पे कर अल्लाह ताला पर्दा पोशी फरमावे हर इंसान की। मेरी नौजवान भी यह गुजारिश है कि कितें ताल्लुक रखो कितें मुहब्बत रखो कितें दोस्ती रखो अपनी हैसीयत और परले की हैसीयत देख के रखो। ये ना हो कि कल को तुरे कि दुश्वारी पे वे ताल्लुक ना निभा सको या परले कि ताल्लुक निभाव मुश्किल पे वे या तुरी तवक्को से पूरा उतरण उन्हें कितने मुश्किल थी वे या तुरे कि उन्हें तवक्को से तवक्कोत पूरा उतरण मुश्किल थी वे। और अगर तुसा कोई कहीं खानदान दे कफील कोई बजुर्ग वीडियो देते बैठो तो मेरी भी गुजारिश है कि औलाद है जी मेरे ख्याल में सब तो बड़ा सरमाया इंसान का सब तो बड़ी जागीर और सब तो बड़ा सुकून औलाद होंगी इन कोई शक नहीं औलाद का दुख सब तो बड़ा दुख होंगे। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो उन्हें कोई वो माहौल लियो कि जितना उन्हें अपनी हैसीयत तुम्हारी हैसीयत का पता लगे कि सारा खानदानी बैकग्राउंड क्या है सारी हैसीयत है असा इसमें बाहर नहीं बन सकते। अगर कोई औलाद हद पार भी कर वे तो बाहर लगी होंगी क्योंकि दुनिया वसी है ख्वाहिशा ला महदूद होंगे तब प्यार नाल कायल करो समझाओ कि सारे हालात ये हैं असा ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते तो बच्चे जिद भी होंगे जिद भी करन तो बल भी मैं समझदा कि औलाद अजीज होंगी अपनी अना के किते अपने मुशरती रस्में के किते अपने मुशरती रस्मों रिवाज के किते बलोचकी के किते खानदानी जात पात की अना के किते अपनी औलाद को कुर्बान ना करो। कोशिश करो कि मसलियात नाल मामले हल करो समझा बुझा के ताकि तुम्हारी जिंदगी भी पुरसकून गुजरे तो तुम्हारे जो लोग रिलेटेड हैं टच हैं उन्होंने जिंदगी भी सुकून गुजरे।
अल्लाह ताला तुम सारे दोस्तों का भी मान रखे। बेहद शुक्रिया अल्लाह।